अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करामी, आज हम कोहिस्तान के दो खूबसूरत इलाकों का सैर करेंगे। आपको बताएंगे उनमें से कौन सी इलाका खूबसूरत है, उनमें से गुंजान आबाद इलाका कौन सा है। हम आपको बताएंगे आबादी के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और मकबूलियत के लिहाज से। सबसे पहले आपको को बताएं मुड़ू आबादी के लिहाज से पीछे है और लेडी नंबर वन पे आता है मुड़ू, क्योंकि यहाँ मुकीम लोग एक या दो कौमों के लोग आते हैं या तीन चार कौमों के लोग यहाँ पना गुजीर होते हैं, यहाँ पना लेते हैं, यहाँ रहते हैं। लोयर पारो और अपर पारो के मुकीम लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और लेदी में 12 कौमों के लोग तशरीफ़ लाते हैं और आबादी के लिहाज से मुड़ू वैली लेदी से पीछे है। और ख़ूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो मुड़ू वैली मुकम्मल तौर पर एक मैदानी मराहल पर मबनी है, और अगर लेदी को देखा जाए तो मुख्तलिफ वादियों और ख़ूबसूरत मैदानों पर मबनी मराहल देखने को मिलेंगे। और मौसम के लिहाज से देखा जाए तो मुड़ू वैली बहुत पीछे है, ऊंचाई के लिहाज से 1000 बुलंदी पर लेडी मौजूद हैं, जो कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। मकबूलियत के लिहाज से देखा जाए तो मुड़ू नंबर वन पे आता है, क्योंकि यहाँ टूरिज्म वाले आते हैं और रोड अवेलेबल है और टूरिज्म वाले यहाँ जा सकते हैं बआसानी, और लेडी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर रोड अवेलेबल नहीं है और टूरिज्म वाले पैदल जा नहीं सकते और जगह बहुत दुश्वार है, रोड नहीं है और पैदल सफ़र नहीं कर सकते। यही फ़र्क है मुड़ू और लेदी में। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।